हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 की फाइनलिस्ट अंकिता लोखंडे बहुत जल्द एकता कपूर की नागिन बनने जा रही हैं। लेकिन अब आ रही है ये खबर कि एकता कपूर की सबसे महंगी नागिन बनेगी अंकिता लोखंडे। सही सुना आपने। तो क्या एकता कपूर की सभी नागिनों का रिकॉर्ड तोड़ेगी अंकिता लोखंडे? क्या एकता कपूर की मौनी, रश्मि, महक, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना हर नागिन से आगे निकल जाएगी अंकिता कमाई के मामले में? क्या है पूरी खबर? चलिए हम आपको बताएंगे, करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, एकता कपूर के नागिन 7 में अप्रोच किया जा रहा है अंकिता लोखंडे को। ये पहली बार नहीं है जब एकता ने अंकिता को अप्रोच करा है। नागिन सीजन 4 में भी अंकिता का नाम सामने आया था, लेकिन एकता की फीस कम होने की वजह से अंकिता ने मना कर दिया था। हम आपको बता दें, अभी तक एकता कपूर की जितनी भी नागिन रही है उसमें से सबसे ज्यादा फीस अगर किसी ने ली है तो वो है मौनी रॉय। मौनी रॉय एक एपिसोड के 3 लाख रुपए चार्ज करती थी, तो वहीं अदा खान 70 से 90 हजार रुपए एक एपिसोड के चार्ज करती थी। सुरभि ज्योति 1 से 1.5 लाख रुपए पर एपिसोड के चार्ज करती थी, तो वहीं निया शर्मा नागिन 4 के पर एपिसोड के 80 हजार रुपए चार्ज करती थी। हालांकि तेजस्वी प्रकाश ने भी एकता कपूर से अच्छे खासे पैसे लिए। तेजस्वी ने एकता कपूर से 2 लाख रुपए पर एपिसोड के लिए थे। अनीता और महक ने 1 लाख रुपए। लेकिन अब खबर आ रही है कि अंकिता लोखंडे पर एपिसोड के 3 लाख रुपए एकता से मांग रही है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि एकता कपूर 3 लाख रुपए अंकिता को बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, क्योंकि पैसों के मामले में जो प्रोडक्शन हाउस सबसे कम पे करता है वो है बालाजी। और ऐसे में एकता ने लास्ट प्राइस जो पिच करा है वो 1,80,000 रुपए का करा है। अब देखना होगा कि अंकिता इस अमाउंट में हाँ करेगी या नहीं। आपको क्या है लगता, क्या मान जाएगी अंकिता? वेल, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।